हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। गाइस आज की तो वीडियो होने वाली काफी मस्त होने वाली, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मारुति स्विफ्ट के बारे में। जी हाँ गाइस, आज के समय पे यार मारुति सुजुकी स्विफ्ट किसकी पसंदीदा कार नहीं है। स्विफ्ट का जो लुक है वो अपने जब शुरुआती टाइम से आई थी तब से लेकर अभी तक काफी ज्यादा जबरदस्त है। मतलब हर किसी के मन में स्विफ्ट तो रहती ही है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको स्विफ्ट किस तरीके की लगती है। और आज की इस वीडियो में हम स्विफ्ट के बारे में ही अपडेट देने वाले हैं आपको। स्विफ्ट के सबसे पहले मॉडल को 2004 में लॉन्च किया गया था और अभी फिलहाल जो प्रेजेंट में चल रहा है मॉडल उसे 2017 में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इसके नई जनरेशन पे काम कर रही है जिसको अगले साल तक लॉन्च किया जा सकता है। और मारुति सुजुकी स्विफ्ट की नई जनरेशन की टेस्टिंग चालू हो गई है और इस साल के एंड तक इसे ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। लॉन्च होने से पहले इस मॉडल की कुछ जानकारियां, कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हुई है जिससे पता चलता है कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट के अंदर आप क्या क्या दिया जा सकता है। यहाँ गाइस जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी फिलहाल में 1.2 लीटर इंजन के साथ मारुति सुजुकी स्विफ्ट आपको देखने को मिलती है, तो वही इंजन आपको देखने को मिलने वाला है। बट इसके साथ साथ एक नया इंजन और भी आपको देखने को मिलेगा जो कि होने वाला है 1.0 लीटर पेट्रोल बूस्टर जेट इंजन आपको देखने को मिलेगा। स्विफ्ट में ये इंजन इंडियन मार्केट में पहली बार दिया जाएगा। बताते चलें कि ये जो 1.0 लीटर का टर्बो इंजन है इंडियन मार्केट में नया नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा कि मारुति बेलेनो में आपको ये पहले भी देखने को मिला है। इस इंजन को सबसे पहले बेलेनो RS 2017 में लाया गया था लेकिन बिक्री कम होने की वजह से इसे बंद कर दिया था। ताकतवर कारों की डिमांड को देखते हुए मारुति को लगा कि यार ये वाला 1.0 लीटर का बूस्टर जेट इंजन इंडियन मार्केट में दोबारा से लाया जाए। इस इंजन को इंडिया में ही असेंबल किया जाएगा। इस बूस्टर जेट इंजन में आपको 100 bhp की पावर देखने को मिलेगी और साथ ही में 147.6 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क देखने को मिलेगा। और इसके साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, साथ ही 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। और जल्दी ही इस इंजन को मारुति फ्रॉन्क्स में दिया जाएगा और फ्यूचर में इस इंजन को बेलिनो और जिमनी में भी लाया जा सकता है। स्विफ्ट को टर्बोचार्ज इंजन के साथ यूरोप में काफी टाइम से बेचा जा रहा है। तो वहीं देखा जाए तो स्विफ्ट स्पोर्ट्स में बड़ा 1.4 लीटर का बूस्टर जेट इंजन मिलता है। 2024 में आने वाली स्विफ्ट चौथी जनरेशन होने वाली है जिसकी टेस्टिंग जापान और यूरोप में शुरू भी कर दी गई है। स्विफ्ट का आकार तो वही रहेगा लेकिन स्टाइलिंग में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा क्योंकि इसको नई पहचान मिले। इस वजह से पिछले साल मारुति ने 2022 से 2023 में 19.66 लाख यूनिट को सेल किया था, उसमें से 1.07 लाख यूनिट को इंडियन मार्केट में बेचा गया था और 2.59 लाख यूनिट को एक्सपोर्ट किया था। और देखा जाए तो पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल 15.9% की कमी दर्ज की गई है। वैसे देख लिया आपने कि यार स्विफ्ट में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। स्विफ्ट में अभी आपको जल्दी ही कुछ टाइम बाद एक नया जनरेशन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। यार फिलहाल में आप देखेंगे तो ये जो जनरेशन अभी चल रहा है ये भी काफ़ी पसंदीदा जनरेशन है। काफ़ी अच्छे इसके लुक्स लगते हैं और काफ़ी बढ़िया ये कार है। और आप बताइएगा आपको कैसी लगती है स्विफ्ट, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इसके लुक्स के बारे में, इसके इंजन के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो वो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप बताइएगा कि यार नई जनरेशन जो आने वाली है उसका आपको कितना इंतजार है, अगर वो मार्केट में आती है तो आप उसको परचेस करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर, आए हो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगे। वीडियो पसंद आएगी क्या, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती हैं। हम मिलते हैं आपसे ऐसी नई फ्रेश वीडियो के साथ। बाय बाय।